किर्गिस्तान में जारी नस्ली फसादात विच लाखों नालियां दी तादाद 200 हो गई है। रूसी फौजी तनसीबात हिफाजत लई 150 रूसी नेम फौजी अहलकार कांट एयरबेस पहुंच गए हैं, जबकि किर्गिस्तान हुकूमत ने अकवामे मुतहदा तो अमन दस्तियां दी तैनाती की दरख्वास्त की है। रूस की वजारत दिफा के तर्जमान के मुताबिक किर्गिस्तान के शुमाल में वाके रूसी कांट एयरबेस से उत्थे काम करने वाले अफराद से उन्होंने अहले खाना की हिफाजत लिए 150 नेम फौजी अहलकार किर्गिस्तान पहुंच गए हैं। इंसानी हकूक की तंजीम के अहलकार का कहना है कि ओश में मुख्तलिफ ग्रोहों के अफराद उज़्बक नस्ल के लोगों को उन्होंने घर तो कढ़ के मार रहे हैं। शहर में फसादात पुरतशद्दुद वाकियात में हुण तक हलाक होने वालों की तादाद 200 हो गई है तो 1400 तो वध अफराद जख्मी हो चुके हैं। इंसानी हकूक के अहलकार के मुताबिक हुकूमत पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने में नाकाम हो चुकी है। दूसरे पास किर्गिस्तान हुकूमत ने अकवामे मुतहदा तो अमन दस्तियां की तैनाती की दरख्वास्त कर दी है। किर्गिस्तान में जारी नस्ली फसादात में जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई है, जबकि मैसूर पाकिस्तानी की बहिफाजत वतन वापसी ले चकलाला एयरबेस रावलपिंडी तो खसूसी तैयारा रवाना हो गया है। किर्गिस्तान की ओश स्टेट यूनिवर्सिटी के जैकब आबाद नाल ताल्लुक रखने वाले तालिबे इल्म उबैदुल्ला अंसारी के मुताबिक फसादात में 2 पाकिस्तानी तालिबे इल्म जान बहक हुए हैं, जिन्हों में एक अली रजा ने जबकि एक तालिबान है। जान बहक होने वाले अली रजा के वालिद के मुताबिक उन्होंने पुत्र ओश यूनिवर्सिटी में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है। किर्गिस्तान में मैसूर पाकिस्तानियों ने बहिफाजत वापस लाने इमदादी सामान पहुंचाने लिए हुकूमत पाकिस्तान वालों 3 C-130 तैयारे भेज दिए गए हैं, जिन्हें इमदादी सामान भी मौजूद है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किर्गिस्तान में मैसूर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपना न्यूज नाल खसूसी गलबात करदे हुए कहा कि किर्गिस्तान भेजने लई जहाज तैयार कर ले गए ने, जहाज विच खान दी शैवां ते दूजी शैवां किर्गिस्तान भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओश विच मैसूर तालिबे इल्मां नूं छेती वतन वापस लियाउण लई हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी तालिबे इल्मां नूं महफूज थावां ते मुंतकिल कर दिता गया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान ते किर्गिस्तान की हुकूमतों तो उन्हां दी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मंगी है। किर्गिस्तान में नस्ली फसादात के दौरान जान बहक होने वाले पाकिस्तानी तालिबे इल्म अली रजा अहले खाना ने हुकूमत तो मुतालबा किया है कि हुकूमत अली रजा की मैयत को छेती तो छेती पाकिस्तान लियाउण दे इकदाम करे। किर्गिस्तान में नस्ली फसादात के दौरान जान बहक होने वाले तोबा टैक्सिंग की तहसील पीर महल तो ताल्लुक रखने वाले अली रजा 2 दिन पहला ओश में नस्ली फसादात के दौरान गोली लगने के बायस जान बहक हो गए, जिसकी मैयत गुज़श्ता 2 दिनों तो ओश अस्पताल में रखी हुई है। अली रजा के अहले खाना मैयत की आमद ले रो रो के निठाल हो रहे हैं। अली रजा के वालिद का कहना है कि उसका पुत्र ओश यूनिवर्सिटी में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है। अली रजा के वालदैन ने हुकूमत को मुतालबा किया है कि उनके पुत्र की मैयत को छेती तो छेती पाकिस्तान लाने के इकदाम किए जाएं।